सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट के बारे में, जैसे कि स्टेट वॉर इवेंट आएगा जिसके अंदर से आपको फ्री में डीनो बंडल और साथ में एक मस्त सा टी शर्ट मिलने वाला है। हमारे डायमंड के मेंबरशिप के अंदर बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि यह बात कन्फर्म हो चुकी है। गोल्डन शेड इनक्यूबेटर रिटर्न में आने वाला है, कब आएगा वो भी पता चल चुका है। यही नहीं गाइस, एक स्पेशल जर्सी टोकन विल आने वाला है और साथ में पिंक डायमंड स्टोर इवेंट की भी यहाँ पे कंफर्म डेट निकल के आ चुकी है। टोटल गाइस आज मेरे पास अपकमिंग इवेंट के रिगार्डिंग बहुत ही सारी न्यू अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ओके गाइस, तो अगर आप लोग हमारे एंजेलिक सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे गाइस अपना जो व्हाइट एंजेलिक पेंट है ना, वो यहाँ पे एड हो चुका है। और जब भी कोई रिवॉर्ड हमारे एंजेलिक सेक्शन में ऐड होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत जल्द ये रिवॉर्ड अपने इवेंट में आ जाते हैं। टोटली गाइस मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हाइट एंजेलिक पेंट का इवेंट बहुत जल्द अपने गेम में आने वाला है। आपको पता होगा थोड़े ही टाइम पहले ग्रीन एंजेलिक के थीम पे बहुत ही सारे न्यू रिवॉर्ड अपने एंजेलिक सेक्शन में ऐड हुए थे। तो यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ग्रीन एंजेलिक का एक ऐसा टोकन विल आए जिसमें साथ साथ अपना व्हाइट एंजेलिक पेंट भी आ जाए। लेकिन हाँ गाइस, ठीक है, ये सिर्फ पॉसिबल है, अभी इसे कंफर्म मत समझना। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन एंजेलिक के सारे रिवॉर्ड है उसका भी अलग से इवेंट आए, और जो हमारा व्हाइट एंजेलिक पेंट है उसका भी अलग से इवेंट आए। बाकी यार इसके रिगार्डिंग जैसे ही मुझे न्यू अपडेट मिलती है मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। एंजेलिक रिवॉर्ड की बात हो ही रही है, तो यार यहाँ पे देखो गाइस, बाहर के सर्वर में अपना जो न्यू एंजेलिक स्पेशल कटाना की स्किन है ना, वो आ चुके हैं टॉप अप इवेंट के अंदर। यहाँ पे हमें सिर्फ गाइस 99 डायमंड का टॉप अप करना है, और उसके बदले में हम लोग फ्री में ग्रीन एंजेलिक स्पेशल कटाना की स्किन को क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें यार सच कहूँ तो भाई, कटाना की स्किन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया सी है, और यार ऊपर से ये अपने ग्रीन एंजेलिक के थीम पे है। हाल फिलहाल ये वाला टॉप अप इवेंट बाहर के सर्वर में आ चुका है और बहुत जल्द अपने इंडियन सर्वर के अंदर भी आ जाएगा। बात करते है हमारे नेक्स्ट इवेंट की, तो यार जो भी लोग हमारे गोल्डन शेड इनक्यूबेटर रिटर्न में आने का वेट कर रहे थे ना, फाइनली उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। गोल्डन शेड इनक्यूबेटर रिटर्न आएगा, और वो भी अपने टोकन विल में, जिसका आप लोग ऑफिशियली बैनर देख सकते हो। ये वाला इवेंट आने वाले 16 तारीख को आने वाला है, यानी भाई कल को छोड़ के परसों ये इवेंट होगा अपना टोकन विल, जिसका आइकन वगैरह आप लोग देख सकते हो। टोकन विल के अंदर से गाइस अगर आपका लक अच्छा होगा ना, तो बंडल आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है, और अगर आपको बंडल डायरेक्ट नहीं मिलता तो यार यहाँ पे आप लोग इससे टोकन से एक्सचेंज भी कर पाओगे, ठीक है, जो ये अच्छा खासा फीचर है। बाकी यार पॉसिबल है यहाँ पे आपको एक बंडल को निकालने के लिए 700 से लेकर गाइस 900 डायमंड लग सकते है। हाँ, अगर आपका लक अच्छा होगा तो यार 500 डायमंड से लेके, ठीक है, 700 डायमंड के बीच में भी निकल सकता है। बाकी यार कौन कौन अपने गोल्डन शेड बंडल का रिटर्न में आने का वेट कर रहा था, नीचे कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर, और बात करते हैं अपने जर्सी व्हील के बारे में। तो यार अपडेट के बाद ना, ठीक है, अपनी गेम के अंदर यार 3 से भी ज्यादा न्यू जर्सी ऐड हुई है अपने इंडोनेशिया सर्वर के अंदर। स्पेशल गाइस यहाँ पे जर्सी का टोकन व्हील आया हुआ है। मुझे लग रहा है कि यार ये वाले जर्सी अपने इंडिया में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जर्सी के पीछे अगर आप लोग देखोगे तो यार इंडोनेशिया लिखा हुआ है। अगर अपने इंडिया में गाइस टोकन व्हील आने वाला होगा ना जर्सी का, तो कोई और जर्सी आएगी। बाकी तो इसके रिगार्डिंग ज्यादा मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है, अगर अपडेट मुझे मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर से जरूर कवर कर दूंगा। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर, और बात करते हैं अपने मेंबरशिप में होने वाले चेंजेस के बारे में। तो यार अपने वीकली और यार मंथली मेंबरशिप में, ठीक है गाइस, बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। पोस्टर के अंदर आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइस, डायमंड का आइकन है और साथ में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट। यानी गाइस ऐसा हो सकता है कि अब से आपको वीकली और मंथली मेंबरशिप में, ठीक है, डायमंड ज्यादा भी मिल सकते हैं,
या फिर कम भी मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे डेली रिवॉर्ड्स की बात करी है तो यार इसका पॉसिबल ये है कि भाई अपने को न्यू रिवॉर्ड्स मिलेंगे और साथ में यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि बेटर आइटम, यानी करंटली अपने वीकली मेंबरशिप के अंदर और मंथली मेंबरशिप के अंदर जो गैस आइटम मिल रहे हैं ना उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। बाकी यार ये वाला चेंजेस अपने वीकली मेंबरशिप में और मंथली मेंबरशिप में कब होगा उसके रिगार्डिंग ज्यादा अपडेट नहीं है। पॉसिबल है कि यार ये वाला चेंजेस बहुत जल्द अपने मेंबरशिप में लागू हो जाए। बाकी यार ये वाला चेंजेस आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट के अंदर जरूर से बता देना। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर और बात करते हैं अपने पिंक डायमंड इवेंट के बारे में। तो यार पिंक डायमंड इवेंट बहुत जल्द अपने 6th एनिवर्सरी इवेंट में आने वाला है। 6th एनिवर्सरी इवेंट आएगा अपने अगस्त मंथ में, यानी पिंक डायमंड इवेंट आएगा अपने अगस्त मंथ में। अब इसके अंदर यार कौन से रिवॉर्ड हो गए ठीक है गैस वो मुझे कन्फर्म पता नहीं चला है। बाकी जैसे यार इसके रिगार्डिंग मुझे ज्यादा अपडेट मिलता है ना तो मैं आपको कवर जरूर से कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोगों फ्री में डायमंड और साथ में फ्री में रिडीम कोड लेना चाहते हो तो यार कमेंट बॉक्स में ऐप की लिंक पिन है जहाँ से तुम्हें फ्री में डायमंड और साथ में रिडीम कोड मिल जाएगा, तो ट्राई कर सकते हो, इसके लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आने वाले 16 तारीख को अपना गोल्डन शेड इनक्यूबेटर रिटर्न आएगा और वो भी अपने टोकन व्हील में। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे गैसे ये वाला इनक्यूबेटर ठीक है अपना टोकन व्हील खत्म होता है इसके बाद कौन सा ऐसा इनक्यूबेटर है जो रिटर्न में आ सकता है, तो वो है अपना हेलोवीन फेस बंडल का इनक्यूबेटर जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। पॉसिबल है कि गैसे ये जो इनक्यूबेटर है ना गैसे वो बहुत जल्द अपने इंडियन सर्वर में गोल्डन शेड इनक्यूबेटर की तरह अपने टोकन व्हील में आ जाए। गरेना ने यार अपने इनक्यूबेटर को इंडियन सर्वर के अंदर से इसलिए रिमूव किया ताकि गैस वो इसे टोकन व्हील में ला सके। बाकी गैस आप लोग समझदार हो ठीक है। ओके तो फाइनली अब बात करते हैं कि हमें फ्री में डीनो बंडल और साथ में टी शर्ट कैसे मिलेगा। तो यार आने वाले 16 तारीख को अपने गेम के अंदर स्टार्ट होगा अपना स्टेट वॉर इवेंट। स्टेट वॉर इवेंट बेसिकली गैस अपना जो रीजनल बैटल था ना ठीक है उसके जैसा होगा, लेकिन इस बार हमें कंट्री को नहीं अपने को यहाँ पे चूज करना है अपना स्टेट। एग्जाम्पल गैस मैं हूँ अपने गुजरात से ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा अपने गुजरात स्टेट को। आपको अपने हिसाब से आपका जो स्टेट है गैस उसे चूज कर लेना है। स्टेट वगैरह को चूज करने के बाद हमें यार जितना ज्यादा गेम खेलेंगे ना उतना ज्यादा अपने पॉइंट इंक्रीज हो गए। अगर ना जितने पॉइंट को डिसाइड करता है उतने पॉइंट को अगर हम लोग अचीव कर लेंगे ना तो यार हमें ये वाला टी शर्ट और साथ में डीनो बंडल मिलने वाला है। लेकिन पता है सबसे दुख की बात क्या है? दुख की बात ये है कि गैस टी शर्ट और डीनो बंडल हमें सिर्फ गैस 30 दिनों के लिए मिलेगा। बाकी यार जैसे गैस ये इवेंट अपने 16 तारीख को गेम में आ जाता है ना मैं इसके बारे में मैं तुम्हें फुल डिटेल में बता दूंगा। कौन सा इवो बंडल रिटर्न में आएगा और कब आएगा ये तुम्हें जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। फ्री ग्लूल स्किन का इवेंट आने वाला है इसके बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।